होल्ड क्लीनिंग के लिए हमको मिलता था ठीक हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माट्यूब चैनल सो दिस वीडियो इज अबाउट द कार्गो होल्ड क्लीनिंग ओके सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज कार्गो होल्ड एंड व्हाई डू वी क्लीन इट एंड डू वी गेट पेड टू क्लीन द कार्गो होल्ड सो एंड हाउ मच डू वी गेट पेड इफ वी गेट पेड सो लेट स्टार्ट तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कार्गो होल्ड क्या होता है ठीक है फिर उसकी क्लीनिंग और उसमें क्या अमाउंट मिलता है नहीं मिलता है उसके बारे में देख लेंगे सो so, कार्गो होल्ड क्या होता है आप नाम से ही देख लीजिए कार्गो को होल्ड करने वाला कार्गो क्या चीज होती है इट कैन बी एनी थिंग लाइक कोर सॉरी कोल आयरन और एंड दिस वीट एंड सीमेंट शुगर ग्रेन्स ओके ये कार्गो में आ जाते हैं तो इस कार्गो को होल्ड करने वाला जिस कंटेनर में हम कार्गो को रखते हैं उसे एक होल्ड बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा स्पेशियस रूम टाइप का होता है कमरा बहुत बड़ा ऐसा होता है ऊपर से खुला होता है ठीक है वो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में अभी किस टाइप का होता है सो so, उसमें कार्गो को भर के लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं वो एक से दूसरे पॉइंट कैन बी डिफरेंट कंट्रीज और सेम कंट्री में डिफरेंट पोर्ट्स डिपेंड्स ओके सो अब कार्गो होल्ड यूजुअली बल्क कैरियर्स में ही होते हैं ठीक है यूजुअली तो उसमें क्या होता है हम ये कार्गो लेके जाते हैं अब इसमें बल्क कैरियर्स एक टाइप ऑफ शिप होता है ठीक है जिसमें मैंने सेल करी है दो भी तो उसमें कार्गो हम बल्क में लेके जाते हैं उसमें किलो में नहीं जाता उसमें टनस में जाता है ठीक है तो कार्गो होल्ड पाँच भी होते हैं किसी शिप में सात भी होते हैं हैंडी मैक्स पैना मैक्स ठीक है फिर केप साइज फिर अल्ट्रा मैक्स पता नहीं कौन कौन से आगे आते हैं आ, सारे नाम मुझे पता नहीं है बट ऐसे होते हैं किसी में पाँच होल्ड होते हैं किसी में सात होते हैं किसी में नौ होते हैं मेरे वाले में नाइन होल्ड्स थे ठीक है so, सो तीन सौ मीटर का वो कुछ जहाज था तो अब क्या होता है कि आप जब जैसे आपने ए पॉइंट पे कार लोड कर लिया शिप में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव लोडेड कोल इन योर शिप ठीक है नाउ यू हैव टू डिस्चार्ज दैट कोल इन बी पॉइंट सो आप जब उस बी पॉइंट पे जाएंगे कार्गो डिस्चार्ज होगा सो नाओ योर कार्गो होल्ड इज एम टी कंप्लीटली एम टी नाओ अगेन यू हैव टू गो टू समर पॉइंट टू लोड द कार्गो आपको दोबारा से किसी और पॉइंट पे जाना है कार्गो लेने के लिए क्योंकि यही कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन से ही यही मेन पर्पज होता है मर्चिन नेवी में मर्चिन शिपिंग जो होती है उसमें यही होता है कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है यही ट्रांसपोर्ट करके हम सबकी सैलरी आ रही होती है या अलाउंस इंसेंटिव जो भी हमको मिल रहा होता है वो पूरा कार्गो पे डिपेंड होता है आप सेफली उसको एक पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा दें ठीक है और थोड़ा बहुत जो हम शिप का मेंटेनेंस करते हैं उसका उस चीज़ की अपने को सैलरी मिलती है सो so, नाउ अब आपको दूसरे या आपने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया बी पॉइंट पे नाउ यू हैव टू गो टू सी पॉइंट फॉर लोडिंग ओके तो अब लोडिंग करने से पहले आपको आपने जिसमें वो कोल डाला है ठीक है मतलब कोल लेके गए थे अब आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा पहले नया कार्गो उसमें लोड करने से पहले तो अब ऐसा होता है कि अगर सेम कार्गो है ठीक है जैसे में हमने कोल डिस्चार्ज करना हो अगेन वी हैव हाँ टू तो लोड द कोल तो इसमें क्या होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर सुपीरियर्स चीफ ऑफिसर कैप्टन ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो सिर्फ ब्रूमिंग करवा देंगे कार्गो होल्ड में झाड़ू मरवा के ठीक है जो मोटा मोटा कचरा है वो उठवा देंगे और पूरी एक रिपोर्ट बना के कंपनी को भेज देंगे कि हाँ भाई लोगों ने क्लीनिंग करी है और अब इनको आगे का प्रोसेस ये लोग फर्दर करते हैं ठीक है और अगर कार्गो चेंज है ठीक है लाइक से आपने कोल डिस्चार्ज करा था अब आपको आयरन और लोड करना है ठीक है तो आयरन और लोड करने के लिए आपको पूरा कार्गो होल्ड वॉश करना पड़ेगा ठीक है तो आ को ये जो प्रीवियस कार्गो था उससे नया कार मिक्स नहीं होना चाहिए तो पूरा कार्गो होल्ड आपको वॉश करना पड़ता है कार्गो होल्ड कैसे वॉश करते हैं फायर होज के थ्रू ठीक है फायर होज वगैरह कनेक्ट करते हैं उससे पूरी उसकी बल्क हेड वॉल्स वगैरह टैंक टॉप फिर उसके अंदर कॉर्नर्स में दो बिल्जेस भी होते हैं जिसने करा होगा बल्क एरियर उन्हें पता होगा दो बिल्जिस होते हैं जहाँ से पानी ड्रेन आउट करते हैं हम शिप से बाहर फेंकते हैं पानी सारा जो कार्गो होल्ड की वॉशिंग होती है वो सारा ड्रेन होकर बिल्ज में जाता है और बिल से वैक्यूम के थ्रू वो जो है पानी में हम डिस्चार्ज कर देते हैं उसे ठीक है वो क्या बोलते हैं पॉल्यूट नहीं करता है वो मेरीन पॉल्यूशन के अगेंस्ट नहीं है ठीक है सो ये दो प्रोसेस होते हैं अब क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं क्लीनिंग का पर्पज़ आप समझ गए होंगे ठीक है नाउ द थिंग इज़ हमको कुछ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है क्लीनिंग करने का अलग से सो so, ऐसा है अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग टाइप के भी होते हैं बल्क कैरियर हैंडी मैक्स होता है मैक्स होता है ये आपका केप साइज होता है सुपरा मैक्स भी होता है ठीक है इन वेसल के टाइप पे भी डिपेंड करता है जैसे आप अगर पाँच होल्ड वाले में ठीक है तो उसमें आ, किसी किसी में कम मिलता है आपको अलाउंस क्लीनिंग अलाउंस ठीक है ये सैलरी से अलग मिलता है किसी में ज़्यादा मिलता है सेम गोज फॉर मैक्स पाना मैक्स में भी ऐसे होता है किसी में कम मिलता है किसी में ज़्यादा मिलता है और केप साइज में भी ऐसा होता है तो मैं आपको अपने केप साइज के बारे में बताता हूँ तो हमको वी यूज टू गेट फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर होल्ड क्लिनिंग के लिए हमको मिलता था ठीक है पूरे नौ होल्ड के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसा नहीं कि आपने एक होल्ड भी करा तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा अमाउंट ऐसा नहीं है वो होल्ड वाइज होता है जैसे अगर आपने चार होल्ड क्लीन करें तो उसके अकॉर्डिंगली फोट फोर uh, के अकॉर्डिंग जो एक होल्ड पर बन रहा होगा ठीक है तो आपने चार करे तो वो चार पे जितना बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स डिफरेंट इट्स सेपरेट फ्रॉम योर सैलरी तो मेरा नाइन uh, होल्ड का था तो हम अगर पूरे नाइन होल्ड क्लीन करते थे अगर हम झाड़ू भी मारते थे ठीक है या पानी मारते थे तो झाड़ू मारते थे तो कंपनी uh, uh, हमारे जो सुपीरियर्स थे वो बहुत अच्छे थे ठीक है वो समाव कैसे भी करके कन्विंस करते थे कि भाई बच्चों ने क्लीनिंग हमारे जो क्रू है उन्होंने क्लीनिंग करी है सो दे डिजर्व द दिस अलाउंस इंसेंटिव तो हमको मिल जाता था सिर्फ झाड़ू मार के भी वॉशिंग करना भी पड़ता था तो कभी जैसे कार को चेंज हो गया कुछ हो गया तो वॉशिंग भी करना पड़ता है सो फोर्टी फाइव हंड्रेड मिलता था अब वो डिस्ट्रीब्यूट होता था सिर्फ डेक क्रू में ठीक है और वो होना भी डेक क्रू में ही है क्योंकि आ, जो क्लीनिंग है उसमें सब डेक क्रू ही इन्वॉल्व रहता है और कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है बट हमारे शिप में एक अलग सीन था हमारे शिप में ये सीन था कि जो स्टार्टिंग के दो हमारे जो चीफ ऑफिसर्स आए थे उन्होंने क्या करा हुआ था कि कुछ जो हमारे गैली डिपार्टमेंट होते हैं गैली डिपार्टमेंट में जी और चीफ कुक इन दोनों को भी कुछ कुछ पैसे दिए हुए थे ठीक है उसी अमाउंट में से अराउंड आई थिंक ट्वेंटी डॉलर्स थे ट्वेंटी डॉलर्स ईच उन दोनों को और सेम इंजन डिपार्टमेंट में भी जिनका कोई रोल नहीं था कुछ नहीं था उनको भी बीस बीस डॉलर दिए हुए थे पता नहीं क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों था वैसे तो मोस्टली चीफ ऑफिसर बोसन के ऊपर छोड़ देता है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो बट यहाँ पे चीफ सर पहले से डिसाइड करके एक फॉर्मेट बना के रखा होता कि पिछला क्रू भी ऐसे करता था आगे भी वही चीज चलती रहेगी तो पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो चीज थोड़ी चलेगी आगे तक जब तक कोई नई ऊपर आपकी अथॉरिटी आके उसको चेंज नहीं करेगी सो so, ऐसा होता था इंजन वालों को भी 20 20 20 डॉलर मिलते थे चार पांच जनों को तो वो अमाउंट हमारे उसमें से कट गया उनका कोई रोल नहीं है होल्ड क्लीनिंग में बट <coughs> गैली डिपार्टमेंट में ये था कि जो जी था वो हमारे लिए जैसे होल्ड क्लीनिंग चल रहा है वो अर्जेंट काम होता थोड़ा तो वो चाय लेकर आ जाता था हमारे लिए टी टाइम पे होल्ड के पास तो चाय बिस्किट वगैरह ले आता था सो वो काम करता था उसको मिलना चाहिए था तो मतलब ऐसा ऐसा सीन था तो उसके बाद जो लास्ट हमारे फिर चीफ ऑफिसर आए टोटली डिस्ट्रीब्यूशन चीफ ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहे हैं तो एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि आ, बोसन बोसन को मिलेगा तीनों एबीओ को मिलेगा दोनों ओ को मिलेगा ठीक है कितने हो गए चार पाँच छ छो छे, छे, छे गया हो गए अब हमारे शिप पे कैडेट भी था और फिटर भी था ठीक है तो अब मैंने जिस एक्स एज पर माई लास्ट शिप एक्सपीरियंस नॉट दिस इससे भी पहला वाला जो ट्रेनी में था उसमें क्या था कि डेक कैडेट को इक्वल नहीं मिलता था ठीक है उसको सौ या दो सौ डॉलर मिल जाते थे क्योंकि मैं ही उसमें डेक कैडेट था मुझे सौ दो सौ मिलते थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था ठीक है बट हमारे इस शिप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था डेक कैडेट को भी इक्वल मिल रहा था और ट्रेनी फिटर था ट्रेनी फिटर को भी इक्वल ही मिल रहा था ठीक है बट हमारा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि भाई आप काम कर रहे हो सो यू डिजर्व इट वो भी हमारे साथ जितनी हम मेहनत करते थे उतनी वो भी मेहनत करते थे और इक्वली जो है हम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था तो आठ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था तो फिर जब हमारे नए चीफ ऑफिसर आए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने गैली डिपार्टमेंट को भी हटा दिया और उन्होंने फिर इंजन रूम को भी हटा दिया तो फिर वो सारा पैसा फिर हम आठ जनों में ही बढ़ता था विच वॉज अ वेरी गुड मूव एंड गुड थिंग सबको सही लगा तो ऐसे करके तो आप डिवाइड कर लीजिए फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूएस डॉलर को आ, एट से तो उतना हमारे पास आ, आ जाता था अब होल्ड क्लीनिंग देखो थोड़ा सा लॉन्ग वाइज अगर मिल गया दस पंद्रह दिन का या बीस दिन का या एक महीने का बल्क एरियर में ऐसा होता है सो तो उसमें आपको तीन महीने में एक बार होल्ड क्लीनिंग मिलेगा नहीं तो दो महीने में एक बार होल्ड क्लीनिंग मिलेगा ऐसा होता है ठीक है और जो ये छोटे छोटे शिप होते हैं जो छोटे मीन्स जो कम होल्ड वाले होते हैं पानामैक्स और ये हैंडी मैक्स इनमें मंथली भी मिल सकता है क्योंकि उनमें मोस्टली मैंने जो सुना है उसमें अमाउंट कम रहता है तो वो चीज़ें जो है घूम फिर के मतलब सेम ही हो जाता है ठीक है कि किसी में आपको फिफ्टी डॉलर मिलेगा ठीक है मतलब एक टोटल अमाउंट में से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब आपके हिस्से में फिफ्टी डॉलर आएगा किसी में सेवेंटी आता है किसी में हंड्रेड आता है अभी हमारे इसमें आ, शायद 545 या समथिंग ऐसा कुछ आता था जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो दो तीन महीने में एक बार मिलता था सो so, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो so, यस yes, जब आप होल्ड क्लीनिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता ही मिलता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको अगर आप ज़्यादा लॉन्ग लौ, लॉन्ग वोज हो गए तो आपको मैक्सिमम तीन मिलेंगे नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चार मिलेंगे अगर आप केप साइज पे हैं तो ठीक है पैना और हैंडी का मेरे को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है मैंने सेल करा नहीं है बट तीन चार तो मिनिमम आपको मिल जाएंगे ठीक है और ये एक अच्छा अमाउंट है एक, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है आपकी हेल्प सैलरी uh, से अलग सो इट्स अ गुड थिंग बाकी uh, हमारी पूरी सेल में इस बार क्या हुआ पिछली सेल में क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको uh, मेरी सेकंड सेल की एक मैं एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि uh, वो सेल कैसी रही मतलब सेकंड सेल मेरी कैसी रही और हमको कितना मिला क्या मिला एंड हमारे वॉइस कैसे रहे छोटे रहे बड़े रहे सो so, वो मैं पूरा उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है कमेंट सेक्शन इसमें डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे आई विल श्योर रिप्लाई ठीक है आंसर पता होगा तो मैं दूंगा नहीं पता होगा तो ढूंढ दूंग के दूंगा ओके सो थैंक यू थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे